नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज। मणिपुर विधानसभा चुनाव 2022 में 60 विधानसभा सीटों के लिए 28 फरवरी और 5 मार्च को दो चरणों में चुनाव हुआ था। राज्य में अभी भाजपा गठबंधन की सरकार है और उनकी कोशिश सत्ता में अपनी पकड़ बनाए रखने की है, जबकि कांग्रेस फिर से सत्ता में वापस आने की कोशिशों में जुटी हुई है। मणिपुर में बीजेपी फिर से सरकार बनाने के करीब है तो कांग्रेस बड़ी हार की ओर जाती दिख रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार वह महज 8 सीटों पर आगे चल रही है। यहां बीजेपी 31 सीटों पर आगे है। मणिपुर की हिंगान सीट से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी और सीएम एन वीरेन सिंह 24,268 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी पी शरद चंद्र सिंह मात्र 6,486 वोटों से दूसरे नंबर पर है। बता दें कि इस सीट से दो प्रत्याशी ही मैदान में है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें सी लॉर्ड न्यूज के साथ। धन्यवाद।